एंडीज पपेट शो, ये एक एनिमेटेड कैरेक्टर शो है। यहाँ पर एंडी का एक पपेट है जो हमने एंडी के ट्रेलर्स में देखा था, वो हमें एक कहानी सुना रहा है एंडी के बारे में। It's a story about my best friend Andy. अब जैसे कि देखो, ये मेरी इन्वेंट्री है और मैं भी इतने कैरेक्टर वाउचर्स उन सब इवेंट से ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका हूँ। हेलो गेमर्स, क्या हाल है, कैसे हो? आई होप सब मस्त हो, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। गाइज, एंडी कैरेक्टर की रिलीज डेट को फाइनली पबजी मोबाइल ने कंफर्म कर दिया है और उससे रिलेटेड इवेंट भी दे दिया है हमारे लिए। और जैसे ही हम इस इवेंट को कंप्लीट कर लेंगे, हमें 60 कैरेक्टर वाउचर्स फ्री में मिल जाएंगे। तो आखिर क्या है ये नया इवेंट? वेल, इस इवेंट का नाम है एंडीज पपेट शो और ये 16 जून तक चलने वाला है। अगर हम गौर से देखें तो हमें 11th, 12th और 13th जून के रिवॉर्ड्स पहले से ही शो कर दिए गए हैं। एंड इन सारे रिवॉर्ड्स को कलेक्ट करने के लिए हमें सिर्फ एक बार रोज लॉगिन करना है और ये रिवॉर्ड हमें मिल जाएंगे। तो डे 1 का रिवॉर्ड है एक स्क्रैप कूपन, डे 2 का रिवॉर्ड है कैरेक्टर शार्ड और डे 3 का रिवॉर्ड है गाइस 60 कैरेक्टर वाउचर्स। सो मेक श्योर टू लॉग इन एवरी डे अगर आपको 60 कैरेक्टर वाउचर्स चाहिए, क्योंकि 3 दिन तक लगातार लॉग इन करने के बाद ही आपको ये 60 कैरेक्टर वाउचर्स मिलेंगे। सो इस इवेंट की स्क्रीन पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है गाइस कि जून 13th को एंडीज रिवेंज है, यानी कि जून 13th को एंडी कैरेक्टर अनलॉक हो जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, हमें इस इवेंट पेज से एंडी कैरेक्टर के बारे में एक और सीक्रेट पता चला है। सो बेसिकली ये जो न्यू एंडी कैरेक्टर लॉन्च होने वाला है गाइस, ये एक परफॉर्मर है और इसकी जो स्पेशल पावर है वो ये है कि इसकी स्पीड ऑफ ड्रॉइंग एंड पुटिंग अवे गन 16% इंक्रीज हो जाती है ईवो ग्राउंड मोड में। यानी कि एंडी कैरेक्टर को यूज करते हुए जब हम ईवो ग्राउंड मोड में खेलेंगे गाइस, तो हमारी जो गन्स को होल्स्टर करने का और उन्हें पिकअप करने का जो टाइम है, जो उसकी स्पीड है, वो बाकी सारे कैरेक्टर्स से 16% फास्ट है। वैसे इस न्यू इवेंट पेज में एक और ऑप्शन है जो हमें दिया गया है एंडी कैरेक्टर को और बेहतर तरीके से समझने के लिए। एंडीज पपेट शो, ये एक एनिमेटेड कैरेक्टर शो है। यहाँ पर एंडी का एक पपेट है जो हमने एंडी के ट्रेलर्स में देखा था, वो हमें एक कहानी सुना रहा है एंडी के बारे में। It's a story about my best friend Andy, the best puppeteer with nimble fingers and a beautiful voice. और ये कहानी कुछ इस तरह है कि एंडी के ऊपर कोई अटैक हुआ था जिसकी वजह से उसकी वॉइस चली गई है, उसकी आवाज डिस्ट्रॉय कर दी गई है और अब वो परफॉर्म नहीं कर सकता अपने पपेट के साथ। He was attacked. Now he can't perform anymore because his voice has been destroyed. So, इस स्टोरी के अकॉर्डिंग एंडी कैरेक्टर जो है वो अब कुछ डेंजरस टॉयज के साथ खेल रहा है, यानी कि पबजी मोबाइल की गन्स। सो बेसिकली पबजी मोबाइल में हर न्यू कैरेक्टर के रिलीज के साथ उसकी एक इंट्रोडक्टरी स्टोरी भी रिलीज की जाती है। जैसे कि सारा और कार्लो की स्टोरी थी, ये एंडी कैरेक्टर की स्टोरी है। मेरे भाई, अगर सारा, कार्लो और एंडी तीनों कैरेक्टर्स को कंपेयर किया जाए तो ये अभी तक का सबसे बेहतरीन कैरेक्टर है जो पबजी मोबाइल में लॉन्च होने जा रहा है। और अब तक जो अपडेट्स एंडी कैरेक्टर के बारे में रिलीज हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग कार्लो कैरेक्टर की ही तरह इसे भी हम 1200 कैरेक्टर वाउचर्स में परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारी पिछली सारी वीडियोस देखी हैं जो हमने एंडी कैरेक्टर के सारे इवेंट्स के ऊपर रिलीज की थी गाइस, तो आपने ऑलरेडी इतने कैरेक्टर वाउचर्स कलेक्ट कर ही लिए होंगे। अब जैसे कि देखो, ये मेरी इन्वेंट्री है और मैं भी इतने कैरेक्टर वाउचर्स उन सब इवेंट्स से ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका हूँ। तो होपफुली अगर एंडी कैरेक्टर 1200 कैरेक्टर वाउचर्स का ही हुआ तो हमें उसे परचेज करने के लिए एक्स्ट्रा यूसी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आप भी मेरी तरह पबजी मोबाइल को काफी वक्त से खेल रहे हो तो आपको ये पता ही होगा कि पबजी मोबाइल वालों को अपनी गेमिंग कम्युनिटी को सरप्राइज करने की आदत है। और जिस तरह से सारा कैरेक्टर को 600 यूसी या 600 कैरेक्टर वाउचर्स में लॉन्च करने के बाद कार्लो को 1200 कैरेक्टर वाउचर्स के अंदर लॉन्च किया गया था, पबजी मोबाइल कहीं इस बार भी तो हमारे साथ ऐसा नहीं करने वाला है कि वो इस एंडी कैरेक्टर को मे बी 1800 कैरेक्टर वाउचर्स या फिर 2400 कैरेक्टर वाउचर्स में रिलीज कर दे। वैसे सोर्सेज की माने तो 1200 कैरेक्टर वाउचर्स में ही गाइस हमारा काम चल जाएगा, लेकिन हकीकत क्या है ये हमें 13th को पता चल जाएगी। अब ये जो 3 रिवॉर्ड्स हमें यहाँ इस इवेंट पेज पर दिख रहे हैं, ये 13th जून तक के लिए हैं, लेकिन जो एंडीज पपेट शो है वो 16th जून तक के लिए आया है। तो हो सकता है कि इसके बाद कुछ और कैरेक्टर वाउचर्स भी हमें जीतने का मौका मिले। भाई, मैं तो इस एंडी कैरेक्टर को अनलॉक करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सो अगर आप भी मेरी तरह इस कैरेक्टर को जल्द से जल्द अनलॉक करना चाहते हो गाइस, तो डेली लॉगिन करने के बाद अपने रिवॉर्ड जरूर कलेक्ट कर लेना। वैसे इस ब्रांड न्यू एंडी कैरेक्टर के अलावा कुछ और ऐसे कैरेक्टर्स हैं या फिर न्यू कैरेक्टर स्किन्स हैं जो हमें बहुत जल्द पबजी मोबाइल में देखने को मिल सकते हैं, एंड उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं आपके लिए ऑलरेडी लेकर आ चुका हूँ। तो अगर आपने वो न्यू कैरेक्टर स्किन या फिर न्यू कैरेक्टर गैकेट वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपके लिए शेयर कर देता हूँ।
आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, क्योंकि ये एक और ऐसा कैरेक्टर है जो ऑलरेडी पबजी मोबाइल के कोरियन वर्जन में रिलीज कर दिया गया है। और जैसा कि आप जानते ही हो, पबजी मोबाइल के हर वर्जन में एक ही तरह के अपडेट्स आते रहते हैं, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि किसी वर्जन में कोई अपडेट पहले आ जाता है तो किसी वर्जन में कोई अपडेट थोड़ा बाद में आता है। तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, लेकर आता हूँ आपके लिए ऐसा एक और अमेजिंग वीडियो। गुड बाय गेमर्स एंड लव यू ऑल।